नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो चलिए, जैसा कि हमारा सेशन चल रहा, आप सभी लोगों को पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर इन सभी के बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जा रही है। तो शायद आप सभी लोग पहली बार, जब से एग्रीकल्चर आप सभी लोग सुने होंगे, हमें लगता है इतिहास में पहली बार कि बोर्ड पेपर की फ्री ऑफ कास्ट जो क्लासे वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो सर, ये भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर सभी लोग आते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे टाइम टू टाइम सभी क्लासे, जितने भी शेड्यूल लगा दिया जाता है क्लासे, उसको आप सभी लोग उसी अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को क्लासे उपलब्ध होती है। तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी संस्थान है और इसको मैनेज करना भी काफ़ी बहुत अच्छी बात है कि हमारे तिवारी सर जो कि बहुत अच्छी तरीके से इस संस्थान को चला रहे हैं। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि जितने भी छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर हम सभी लोग इतना आप सभी लोगों के लिए तत्पर हैं, तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने की जरूरत है। आप सभी लोग स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया से एक्टिव है, आप सभी लोग एक बार जरूर इतना करिए, क्योंकि हम सभी लोगों को, अगर आप सभी लोग अच्छा सपोर्ट कर देंगे, तो आने वाले समय में जो इस समय नंबर वन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी चल रहा, आने वाले समय में पूरे भारत में हम सभी लोग कोशिश करेंगे नंबर वन बनाने के लिए। तो चलिए, आज के जो हमारा सेशन है, यानी कक्षा 11 का, यानी जो हमारा रहेगा कृषि सस्य विज्ञान भाग एक, या जिसे बोला जाता है एग्रोनॉमी। क्या बोला जाता है? कृषि सस्य विज्ञान भाग एक या एग्रोनॉमी कहा जाता है। हमने आप सबको कल एक लेक्चर बताए दिए थे, उस लेक्चर में हमने आप सबको बताया था कि हमारा एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या है। 70% के अकॉर्डिंग, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो उनका सिलेबस जारी किया जाता है, यानी जो हमारे बोर्ड पेपर में आना होता है, उसी के 70% के अकॉर्डिंग कल हमने आप सबको सिलेबस बताए थे। सिलेबस के बाद हमने थोड़ा बता दिए थे, इंट्रोडक्शन बता दिए थे कि एग्रोनॉमी क्या होता है और फादर ऑफ एग्रोनॉमी, इन सभी के बारे में हमने 2-4 क्वेश्चन बताए थे। और आज जब यानी कल हम जहाँ से क्लास एंड किए थे, वहीं से आज हम क्लास दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को पता कि इस समय सभी जगह बारिश हो रहा, और कानपुर में आप सभी लोग देखेंगे तो शायद काफ़ी दिन से बारिश हो रहा, एक महीने हो गए लगभग 15 अगस्त से, आज भी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इतनी बारिश हो जाती कि क्या बताएं। तब भी समझ लीजिए बारिश कितना भी हो, पत्थर कितना भी बड़े या पाला कुछ भी बड़े, क्लासें कभी बंद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। हमने बताया था कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, वो तूफान भी हार जाते हैं जब कश्तियां जिद पे होती हैं। अब चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, कितना भी बरसात हो, हमारा यही जिद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से A to Z बोर्ड पेपर के 70% के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप सभी लोगों को क्लास उपलब्ध करा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं। अब देखिए, कल हम क्लास कहां पर एंड किए थे, आज उसी के आगे हम देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां कल हमने आप सबको क्लास यहीं पर एंड किए थे। चलिए, काफी स्टूडेंट, एक बार सभी लोग, कोई भी स्टूडेंट क्लास को मिस नहीं करेगा, छोड़ के जाएगा नहीं। देखिए, बाद में वीडियो देखना एक अलग बात होता है, लेकिन तो लाइव क्लास लेना एक समझ लीजिए बहुत अच्छी बात होती है। तो सभी लोग लाइव अच्छे से जुड़े रहिए। सर, अभियंत्रण की क्लास कब से चलेगी? बिल्कुल चलेगी भैया, परेशान ना होइए, अरे क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, विवेक सिंह कह रहे हैं जय हिंद सबको जी। चलिए, जय हिंद सभी को हमारी तरफ से, गुड इवनिंग। अब देखिए, हमने कल यहाँ पर ये क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन तो आज दोबारा यही से लास्ट क्वेश्चन से, कल हम जो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, आज हमारा यहाँ गए आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक साइंटिस्ट का नाम होता है, अब देखिए एक हमारे साइंटिस्ट है C.R. Ball, यानी एक वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक के अनुसार जिनका नाम क्या है? C.R. Ball। क्या नाम है? C.R. Ball। अब C.R. Ball के अनुसार सस्य विज्ञान है, क्या है? सस्य विज्ञान है, मतलब C.R. Ball के अनुसार सस्य विज्ञान हमारा
फसल उगाने की, मतलब फसल उगाने की कला है और विज्ञान है। मतलब ये हमारा कहा जा सकता है कि हमारा जो सस्य विज्ञान होता है, उन्होंने सी आर बाल अनुसार एक वैज्ञानिक थे, या तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था, सी आर बाल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो सस्य विज्ञान होता है वो कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतना आप सबको समय। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी इज आर्ट एंड साइंस, यहाँ पर एंड लग जाएगा, एग्रोनॉमी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ फील्ड क्रॉप कल्चर। यानी कहा जा सकता है कि एग्रोनॉमी जो होता है हमारा कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। तो शायद इतना आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू सी आर बाल के अनुसार सस्य विज्ञान है तो कला और विज्ञान दोनों है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विपिन पाल कह रहे सर कैमरा नहीं चल रहा है। सही, बिल्कुल चल रहा भैया, सही चल रहा है, एचडी है, बिल्कुल परेशान ना होइए। आप सभी लोगों को एचडी की जरूरत है, तो यहाँ जो कैमरा है वो भी आप सभी लोगों को एचडी ही देगा, ठीक है, परेशान ना होइए। शायद हो सकता है आपके मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा कुछ हल्का हो, लेकिन तो यहाँ पर जो लगा हुआ एचडी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारा पॉइंट आ जाता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, जिसे बोला था सस्य विज्ञान का क्षेत्र, मतलब हमारा इसका कहने का मतलब यही है कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र हमारा क्या क्या है, इसके क्षेत्र में हमारे इसकी अगर हम खेती करके या इन चीज़ों को अपना के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या हमारी जो समस्याएं होती है इसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे हम अनाज की, हमारे अगर हमारे घर में समस्या, हमारे देश में समस्या, तो इसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। अगर चारे की समस्या है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या है तो इन सभी को दूर किया जा सकता है। तो ये सभी हमारा होता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, जिसे बोला जाता है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। क्या बोला जाता है? सस्य विज्ञान का क्षेत्र बोला जाता है या स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखिए पहला पॉइंट दिया अन्न की समस्या का समाधान। अन्न मतलब आप सभी लोग समझोगे अनाज, अनाज की समस्या का समाधान। आजकल आप सभी लोग पहले देखे होंगे कि हमारे देश में इसके आज के कुछ साल पहले अगर देखा जाए, 30-40-50 साल पहले या मान लेते हैं 30 साल या 40 साल मान लेते हैं, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो लोग क्या करते, अनाज के लिए मतलब दिक्कत होती थी, लोगों को अनाज अच्छी तरीके से नहीं, भरपेट खाना नहीं मिल पाता था। तो हमारे देश में, और जब अगर हमारे देश में देखा जाए 1962-63 में ये सब जब लड़ाइयाँ हो गई थी, जैसे चीन से लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी, तो इन सभी में लड़ाइयाँ होने के बाद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति वो खराब हो गई थी। मतलब अनाज की कमी, जो हमारे देश में मतलब सुविधाएं नहीं या बजट नहीं हो पाया था, तो हमारे देश के किसानों की हालत भी खराब हो गई थी। तो ये जो समस्याएं थी उसको हमें दूर करने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई थी। क्या लाई गई थी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश की जो गरीबी थी या जो अनाज की समस्या थी, कपड़े की समस्या थी, जो भी समस्या थी उसको धीरे धीरे दूर किया गया। अब देखिए हम स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में अगर कभी पूछ लेता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला हमारी जो समस्या थी अनाज की समस्या का समाधान किया गया। क्या किया गया? अनाज की समस्या का। इससे हम एग्रोनॉमी से या सस्य विज्ञान से हमने अनाज की समस्या का समाधान किया। अब कैसे किया, आइए आगे देखते हैं। देखिए भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान रखता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग बिना भोजन के शायद जीवित नहीं रह सकते हैं, कि 2-4 दिन तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन तो पूरी जिंदगी बिना भोजन के नहीं काट सकते हैं। इसलिए भोजन जो है, भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान रखा जाता है। एक आपको एक कॉमन भाषा में याद रखना, रटना नहीं है केवल समझना है। अगर आप रटोगे तो समझ लो फिर आपके लिए दिक्कत हो, अगर आप सभी लोग केवल समझ लिए तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आप सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान ना होइए, कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा, पीडीएफ बिल्कुल आपको मिलेगा। तो हमारा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने क्लास के स्टूडेंट को जरूर ऐड करिए, ग्रुप बनाइए, तिवारी सर का जो नंबर दिया गया या हमारी फैकल्टी टीम जो उनका नंबर दिया गया, आप सभी लोग संपर्क करिए और कोई भी स्टूडेंट क्लास को।
मतलब हमारे देश में जो भोजन के समय यानी जो भोजन है मनुष्य के आधारभूत आवश्यकताओं में यानी आधारभूत आवश्यकताओं में प्रथम स्थान रखता है। पहला पॉइंट ये आप सब कह सकते हो कि जो भोजन है वो मनुष्य के आधारभूत या मनुष्य के आवश्यकताओं में प्रथम स्थान रखता है। इसके उपलब्धि आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव। अब सघन कृषि क्या होता है, मतलब अगर आजकल हमें इसकी जो उपलब्धि है अगर अगर देखा जाए तो हमारे देश में जैसी जनसंख्या बढ़ रही है अगर इसको हमें दूर करना है कि अनाज की समस्या को दूर करना है तो हमें सघन खेती करना पड़ेगा, सघन और हमें टेक्निक द्वारा खेती करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम अपना अब सघन कृषि क्या होता है, सघन कृषि आपको ये देखना है कि हमें जो खेती करना है वो अच्छे तरीके से पूरे फील्ड में खेती करना, ऐसा कि नहीं है कि हम बीज का छिड़काव कर दिए कोई फसल यहाँ कोई पौधा यहाँ ग्रो हुआ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई दूर दूर पौधा उगाए, नहीं हमें बाकायदा अच्छी तरीके से खेती करना है कि जितना इसमें पौधों की जैसी जितने पौधों की आवश्यकता होती है उतने पौधे पूरे खेत में उगने चाहिए और इसमें हमें अच्छे अच्छे कि हमें समय पर खाद कब देना चाहिए, कब हमें सिंचाई करना है, कब हमें बुआई करना है, कब हमें क्या क्या कौन सी खाद डालना है और कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है, इन सभी का प्रयोग करके एक अच्छा अच्छे से खेती करके हमारे देश में अनाज की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आप एक कॉमन भाषा में लिख सकते हैं कि मनुष्य यानी भोजन जो है मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान रखता है। इसकी उपलब्धि आजकल बढ़ते हुए जनसंख्या के युग में सघन खेती यानी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। मतलब ये जो हमारे देश में समस्या है इसको दूर करने की एक ही हमारे पास साधन है जो सघन कृषि करके हम अनाज की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है अन्न की समस्या का समाधान। तो सबसे पहले आपको हेडिंग पता होना चाहिए। अगर आपको हेडिंग पता है, बिना हेडिंग अगर आप सभी लोग डाल के लिखोगे तो शायद आप सभी लोगों के नंबर कट सकते हैं। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों को बाकायदा पहले हेडिंग ऐसे लिखिए अच्छे तरीके से, उसके बाद इससे संबंधित जो हमारे मेन मेन बिंदु होते हैं मेन मेन पॉइंट होते हैं उसको लिखना है। जैसे क्या लिखना है कि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान है और आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमारे देश में सघन यानी सघन खेती द्वारा या सघन खेती द्वारा हमारे देश में अनाज या अन्य की समस्या को दूर किया जा सकता है। एक आसान सा और एक सिंपल लैंग्वेज में हमने आप सबको बता दिया, ठीक है। तो इधर आप सबको समझ में आ गया कि अनाज की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। भोजन हमारे देश की आधारभूत आवश्यकताओं में से प्रथम स्थान है और हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमारे देश में जो इसकी अनाज की समस्या का समाधान हम सघन खेती करके इसको दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे देश में अनाज की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं। सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। गौरव एग्रीकल्चर जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा क्या भैया? चलिए ठीक है, अगर लाइटिंग की थोड़ी समस्या वैसे शायद है नहीं, बिल्कुल सही है लाइटिंग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अगर लाइटिंग की कोई सी समस्या आ रही तो आपके अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस उसको थोड़ा तेज कर लीजिए, ठीक है। अगर क्वालिटी आपको हो सकता है नेटवर्क आपके यहाँ कोई समस्या कर रहा हो तो क्वालिटी आप सभी लोग जाएं 144 पे देख रहे होंगे, 260 पर करके देखिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है
वस्त्र की समस्या का समाधान। वस्त्र मतलब होता है कि हमारे देश में जब अनाज का मतलब हमारे देश में जब खेती नहीं की जा रही थी, जब हमारे देश में खेती नहीं की जा रही थी तो हमारे देश में जो कपड़े की समस्या भी थी उस समय वस्त्रों की समस्या थी। लोग पहनने के लिए भी मतलब दिक्कत होती थी कि लोग कपड़ों पर मतलब उतना अच्छी तरीके से कपड़ा नहीं पहन पाते थे, तो उसकी भी समस्या कैसे दूर की गई वो भी एग्रोनॉमी के माध्यम से ही दूर। देखिए मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और मकान, जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य के तीन आधारभूत आवश्यकताएं जो होती है वो हमारी होती है रोटी, कपड़ा और मकान होता है। क्या होता है? रोटी होता है, कपड़ा होता है और मकान होता है। तो मनुष्य की आधारभूत तीन आधारभूत आवश्यकताएं आप सभी लोग देखे होंगे कि हमारा भोजन मतलब रोटी हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा वस्त्र या कपड़ा और मकान। ये मनुष्य के तीन आधारभूत आवश्यकताओं में से एक मतलब ये तीन आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं कि इसके बिना मनुष्य शायद जो यानी जो जीवन यापन करना थोड़ा कठिनाई हो सकता। ठीक है, तो हमारा यही पॉइंट है कि मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र तथा मकान यानी रोटी, कपड़ा और मकान में वस्त्रों की पूर्ति का स्थान दूसरा है। मतलब इन सभी में देखा जाएगा तो वस्त्रों की जो पूर्ति का उसका स्थान कौन सा है तो दूसरा है, जिसका समाधान रेशे वाली फसलें हैं। अब देखिए हमारे देश में अगर वस्त्र या कपड़े की समस्या अगर है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान से कैसे? तो देखिए हम रेशे वाली फसलें उगाएंगे। क्या करते हैं? रेशे वाली फसलें, जिन फसलों से हमें रेशा प्राप्त होता है, जैसे जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, जूट कपास या हम कह सकते हैं पटसन। क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा या पटसन हो जाएगा। ठीक है, इनकी हम खेती करके उनसे रेशा प्राप्त करेंगे। और आप सभी लोग देखोगे रेशम से भी कपड़े तैयार किए जाते हैं। किससे? रेशम से भी कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये सभी की खेती करके हमारे देश में जो वस्त्र की समस्या का मतलब जो वस्त्र की समस्या थी उसको भी इसी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो आप एक कॉमन भाषा में याद रख सकते हैं कि मनुष्य के आधारभूत मनुष्य के तीन आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान है। ठीक है, तो और हमारे देश में वस्त्र की पूर्ति का स्थान दूसरा यानी वस्त्रों की जो पूर्ति का स्थान दूसरा स्थान रखता है। इसको हम दूर करने के लिए रेशेदार फसलें को ग्रो करके या उगाकर यानी वस्त्र की समस्या को दूर कर सकते हैं, जैसे जूट, कपास, पटसन और रेशम। इन सभी का हम खेती करके हमारे देश में जो वस्त्र की समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो किसके? इन सभी का हम खेती करके रेशेदार फसलों का नाम याद होना चाहिए, जूट, कपास, पटसन और रेशम। तो ये हमारे मतलब रेशेदार फसलें उगाकर वस्त्रों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। पुष्पराज कह रहे हैं समस्या नहीं है, दिखाई दे रहा। चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आपको दिखाई दे रहा है। भैया हमारे यहाँ तो अच्छी तरीके दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। अब पशुओं के लिए अगर चारे की उपलब्धि है, आप सभी लोग देखे होंगे कि अगर हम पशु का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए चारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि पशु बिना चारे के रह जाए। जैसे मनुष्य अपना जीवन बिना भोजन के नहीं कर मतलब काट सकता है कि मनुष्य अपना जीवन क्या होता है, भोजन नहीं करेगा तो कहाँ से अपना जीवन। तो ऐसे पशुओं को भी चारे की जरूरत होती है। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। हमारे देश के कृषि आधुनिक युग में भी अधिकतर पशुओं पर आधारित है। अगर देखा जाएगा अगर इस समय हमारा देश अगर देखा है आधुनिक कृषि युग माना जाता है। क्या? आधुनिक कृषि युग भी, लेकिन तो अधिकतर वो किस पर आधारित है? पशुओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? पशुओं पर आधारित है। हमारे देश की जो कृषि है अगर देखा जाता है, हमारे देश की जो खेती है वो आधुनिक युग में इस समय अगर देखा जाए मॉडर्न युग चल रहा। क्या? मॉडर्न युग। वो भी अधिकतर किस पर आधारित है? पशुओं पर आधारित है।
तो आप कॉमन भाषा में कह सकते हो कि हमारे देश की कृषि या खेती आधुनिक युग में भी, मतलब आज के जमाने में कह सकते हैं, आधुनिक युग में भी अधिकतर किस पर आधारित है, पशुओं पर आधारित है। अगर आप सभी लोग देखे होंगे कि आज के लोग पशुओं से बहुत अपना कार्य करते हैं, जुताई करते हैं और उसके बाद किसी फसल की बुआई भी करते हैं और फसल को लाने ले जाने का भी कार्य करते हैं, तो पशुओं का भी बहुत ज्यादा हम सबके जीवन में योगदान, और एक सामाजिक जीवन भी हम पशुओं के साथ अपना व्यतीत करते हैं, सामाजिक जीवन भी पशुओं के साथ व्यतीत करते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे लोग अपने घर में एक पशु जरूर रखते हैं, क्यों? क्योंकि एक सोशल है, पशु जो होता है सामाजिक रूप से रहता है, मनुष्य के साथ एक सामाजिक रूप से रहता है। तो ये समय मतलब हमारे देश की जो आजकल कृषि है, आधुनिक कृषि भी है, वो अधिकतर पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण, मशीनीकरण जानते हुए जैसे आजकल मशीनों का युग आ गया, ट्रैक्टर आ गया, थ्रेसर आ गया, कंबाइन आ गया, सब मशीनें आ गई हैं, और जुताई के लिए कल्टीवेटर हो गया, हैरो गया, सब मशीन आ गए। लेकिन तो मशीनीकरण का युग होते हुए भी हमारे देश में अभी तक इसका प्रचलन किन्हीं विशेष कारणों से पूर्णतया नहीं हो पा रहा। अब देखिए मशीनीकरण का युग तो आ गया है, लेकिन तो हमारे देश में किन्हीं कारणों से इसका प्रयोग विशेष, मतलब किन्हीं विशेष कारणों से इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी लोगों के पास उतना इनकम नहीं रहता है या उतना उनकी बजट नहीं रहती। अगर बजट नहीं रहता तो लोग मशीनें मतलब मशीनों का प्रयोग मतलब मशीनीकरण यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आजकल लोग क्या करते हैं, खुद कर लेते हैं या जो अगर कोई बैल पाल है तो आप सभी लोग उसके माध्यम से खेती करते हैं। तो अगर हमारे पास उतना बजट नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने पशुओं के माध्यम से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि पशुओं के चारे की उपलब्धता और उसके बाद अगर हम फसल को उगाते हैं, जब हम फसल को उगाएंगे तो फसल से हमें क्या प्राप्त होता है, चारा भी प्राप्त होगा। जैसे अगर हम गेहूं उगा रहे हैं तो हमें गेहूं से भूसा प्राप्त होता है, भूसा, और भूसा किसको खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। अगर हम खेती करेंगे तो हमें चारे की उपलब्धि हुई। अगर हम धान की खेती कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं, धान की, तो अगर हम धान की खेती कर रहे हैं तो धान से हमें क्या, धान से हमारा पुआल प्राप्त होता है। या लोग देखे होंगे धान का पौधा जब उसका दाना पक जाता है तो हर अवस्था में वो ला के खिलाते हैं, खिलाया जाता है। तो ये सब क्या होता है, चारे की उपलब्धि होती है। जैसे ज्वार, बाजरा, इन सभी की भी हम खेती करके पशुओं को मतलब चारे की उपलब्धि कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, खेती करने के लिए हमें संसाधन की जरूरत है। अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो खेती करने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो यही कारण है कि हमारे देश की अगर देखा जाए आजकल भी कृषि जो होता है, हमारे देश की आधुनिक कृषि होते हुए भी पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण का कारण हमारे देश में कुछ विशेष कारणों से आजकल भी प्रयोग पूर्णतया नहीं हो पा रहा। अब क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे देश की जो आर्थिक मतलब स्थिति है, कुछ लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग मतलब अपने जो खेती का काम होता है बैलों के माध्यम से ही करते हैं, जिससे खेती करके हमके अनाज वाली फसलें या कुछ फसलें ग्रो करके हम पशुओं के चारे की उपलब्धि करते हैं। तो ये हमारा हो गया पशुओं की चारे की उपलब्धि। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, कोई कारण सर इस बार मैं फेल हो गया, मेहनत की तब भी मेहनत किए तो चलिए कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। बिल्कुल देखिए, जो इंसान अगर आप एक बार गिर गए कोई दिक्कत नहीं है, जो इंसान देखिए लड़ता जीतता वही इंसान है जो लड़ता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कहां से। तो अगर आप बाई चांस ऐसी कोई दिक्कत आती तो बिल्कुल ना परेशान हो, आप दोबारा ट्राई करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ध्यान रखना, कोई बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आपके अंदर लगन और निष्ठा होनी चाहिए, बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगा। सफलता देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन तो एक दिन जरूर मिलता है। ये आपको ध्यान कर रख के तैयारी करना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन तो एक दिन जरूर मिलेगा। बस आप लगे रहिए, रोज अच्छे तरीके से लगे रहिए। अगर आप एक बार कोई दिक्कत आ जाती बाय चांस, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं, तो आप कोशिश ऐसा बनाइए, अपने आप को आग में ऐसा तपाना है कि आने वाला जो नेक्स्ट रहेगा आपको, यानी पूरे क्लास में फर्स्ट टॉपर बन के दिखाइए कि
चलो एक बार हम अगर बाई चांस किसी कारणवश या हम पढ़ाई नहीं किए थे, किसी कारणवश अगर हम फेल हो गए थे, तो अगली बार हम अपने आप को ऐसा तपा देंगे, हमें ऐसी पढ़ाई करेंगे कि पूरे क्लास में फर्स्ट स्थान हासिल करेंगे। तो एक जिद ऐसी बनाइए। तो चलिए आगे हम देखते हैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या रहेगा। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, आज के लोग देखते होंगे कि लोगों के पास अगर बेरोजगारी रहती, क्या रहती, बेरोजगारी रहती, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अब आप सब कहे कौन भाषा में, आजकल देखते होंगे लोग शादी अगर ढूंढने जाते हैं तो शादी ढूंढने जाते हैं तो भैया पूछते हैं भैया खेत होता आपके पास है कि नहीं है। तो खेत की बात लोग क्यों करते हैं, इसलिए किया जाता है कि अगर आपके पास कोई नौकरी या जॉब नहीं मिल पाती है तो आप अपना जीवन यापन इसी खेती से कर सकते हो। किससे, खेती से अपना जीवन यापन कर सकते हो। इसलिए पूछते भैया आपके पास, मतलब शादी ढूंढने जाएंगे तो जरूर पूछते भैया खेत कितना है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास खेती भी होना जरूरी है, जिससे किसी कारणवश अगर आपका कहीं नहीं हो पाता कुछ, आप खेती करके अपना जीवन यापन आया आपकी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हो। तो देखिए सस विज्ञान मनुष्य को अप्रोच या परोच, मतलब अप्रोच या परोच, या जिसे बोला जाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब कह सकते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या कहा जा सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या परोच या अप्रोच या परोच, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसके कई तरीके से कह सकते हैं कि सस विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या परोच या अप्रोच रूप में रोजगार प्रदान करता। अब देखिए जो हमारा खेती होता है यानी सस्य विज्ञान होता है वो मनुष्यों को, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से मनुष्यों को रोजगार प्रदान करता है। अब कैसे, परोक्ष में उन, अब देखिए परोक्ष मतलब सीधा या डायरेक्ट, परोक्ष रूप में उन मनुष्यों को, उन मनुष्यों को जो सस्य यानी सामस्य सॉरी साम उत्पादन में लगे हुए, मतलब साम सस्य उत्पादन में, अब रहेगा सस्य उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे कृषक, कृषि श्रमिक, ये हमारा हो जाएगा मतलब परोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा परोच, मतलब आप सभी लोग क्या होता है सीधा जो भी हमारे मनुष्य है वो सस्य मतलब क्या रहेगा और उत्पादन, मतलब फसलों की खेती करने के, मतलब जो हमारे कृषक होते हैं या कृषि श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं कृषक होते हैं, कृषि मतलब जिसका खेत होता है और कृषि श्रमिक मतलब जो खेती करने वाला होता है, ठीक है। तो इन सभी में जो लगे रहते उत्पादन में लगे रहते सस्य उत्पादन में, तो क्या उनसे भी इनकी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे कि हम फसल की खेती करके अपनी जो हमारी बेरोजगारी होती है उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तथा अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप में कृषक यानी अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले, जैसे अन्य धंधे वाले लोग जैसे बढ़ई, लोहार, कृषक की उपज, व्यापारी रोजगार प्रदान करता। अब जैसे ये क्या होता है, यहाँ कहने का दो तरीका बहुत सटीक आप सबको बताने वाले एक सिंपल भाषा में। भैया अपरोक्ष या परोक्ष ये होता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब आप सबको एक सीधे सी और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं होता क्या है। देखिए परोक्ष, परोक्ष मतलब होता है जिसे बोला था सीधा हम कह सकते हैं या डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अब जैसे डायरेक्ट कैसे होता, परोक्ष क्या होता, जैसे आपके पास खेती है, आपके पास खेती है 5-6-8-10 बीघे या 2-4 एकड़ या हेक्टेयर, ठीक है। आप खेती करके अपनी खेती को करके अपनी खेती करके उसमें धान गेहूं फसल उगा के अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दी, तो कैसे ये डायरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने अपने खेत में काम किया उसके बाद अपने खेत से हमें जो उपज प्राप्त हुआ उसको हम आराम से मार्केट में सेल करके हमने अपनी बेरोजगारी दूर कर लिया। ये तो हमने डायरेक्ट काम किया है ना, ऐसा तो है नहीं हम किसी दूसरे खेत में गए हैं, तो इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट अपना काम करके, तो डायरेक्ट हम अपना काम कर लिए उसके बाद काम करने के बाद फसल उगा के ले जाके मार्केट में बेच दिए, तो ये हम डायरेक्ट अपनी खेती कर रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष बोला मतलब परोक्ष बोला जाता है या सीधा। और एक और क्या होता है, जैसे कोई मजदूर
आपके पास खेती ज्यादा है और खेती का ज्यादा आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप किसी मजदूर को रख लिए, दो चार दस पंद्रह मजदूर आप अपने खेत में लगा दिए, तो आपके देखो उन मजदूरों की बेरोजगारी दूर हो रही, कैसे, क्योंकि आपके वहां वो काम करेंगे, उनको उसके बाद इनकम प्राप्त होगा जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये भी क्या होता है, वही बेरोजगारी के सब उनका जो बेरोजगारी थी उसको धीरे धीरे वो सॉल्व होने लगा, तो क्योंकि आपने डायरेक्ट उन्हें बुलाया खेत में, आपके खेत में काम किए, उसके बाद आपने उन्हें पैसा दिया, तो उनकी भी जो बेरोजगारी थी वो भी दूर हो गई, प्लस आपका भी जो काम था वो भी पूरा हो गया। तो मतलब ये होता हमारा परोक्ष होता, क्या होता, परोक्ष या सीधा या डायरेक्ट होता या प्रत्यक्ष होता, ठीक है। अब दूसरा हमारा यह था अप्रोच या इनडायरेक्ट। अब अप्रोच या इनडायरेक्ट होता क्या है, आएगा भैया बिल्कुल परेशान ना होइए, एग्जाम में जरूर आएगा। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष जैसे होता है ये कि हमने फसल की खेती कर ली, हमने खेती कर ली अच्छी तरीके से और हमने पूरा फसल तैयार कर लिया, और आप सभी लोग देखते होंगे कि हमने गेहूं की फसल पूरा अपने घर पे आराम से तैयार करके उसके बाद दवाई करके उसके बाद लाके आपने रख लिया। उसके बाद जो आपके यहाँ कोई खरीदने आता है, जैसे व्यापारी होता है, क्या होता है व्यापारी, व्यापारी आएगा तो आपके यहाँ से खरीद के ले जाएगा, तो आपके यहाँ से खरीद के ले जाएगा, फिर वो ले जाकर दूसरे मार्केट में बेचेगा, क्या होता है दूसरी जगह ले जाके बेचेगा, तो क्या हुआ, वो तो डायरेक्ट खेत से नहीं जुड़ा हुआ ना, वो तो आपने फसल ग्रो किया उसके बाद वो व्यापारी आया उसके बाद उसने खरीद के फिर ले जाके वो दूसरी जगह सेल किया, तो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष हो गया या अपरोक्ष हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष हो गया। तो जैसे और जैसे हमारा क्या होता, आप खेती कर रहे हैं कुदाल, उसके बाद जो हमारे हल होते हैं इन सभी या फावड़ा, इन सभी को आप सभी लोग जुताई निकाई गुड़ाई करते हुए देखते हो कि वो उसमें धार कम हो जाती है, तो धार कम होने के बाद उसके बाद हम उसको कहाँ ले जाए, लोहार यहाँ ले जाते हैं, लोहार ले जाके उसको पैनी कराते हैं, तो लोहार क्या, हमने अपने सामान ले गया यंत्र ले गया उसको पैनी करा, तो उससे उसका जो इनकम प्राप्त हो उससे भी उसकी बेरोजगारी, तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया, क्या हो गया। और बढ़ई, बढ़ई अगर बढ़ईया आप सभी लोग हल बनाते हो या कोई चीज बनवाने जाओगे, ठीक है, या कुदाल या फावड़े का बेड बनवाने जाओगे, तो बढ़ई को भी तो इनकम होगा, तो क्या होगा, वो अप्रत्यक्ष आपसे इनकम ले रहा है लेकिन तो डायरेक्ट खेती से जुड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आप उसके पास सामान ले गए उसके बाद उसने, या आप उसके पास सामान खरीदने गए उसने आपको बना के दिया, तो आपको सामान मिल गया उसको इनकम हो गया, तो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष हो गया। अब कृषक उपज के व्यापारी, जैसे हमने खेती को उपज किया उसके बाद व्यापारी आए हमारे यहाँ से सामान खरीद के ले गए और दूसरी जगह अपना मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनकी भी जो बेरोजगारी की समस्या थी वो भी दूर हो गई और रोजगार उनसे धीरे धीरे प्रदान होने लगा। यही है, अगर हम डायरेक्ट खेती से जो अपना इनकम प्राप्त कर रहे हैं उससे डायरेक्ट हो जाए या परोक्ष हो जाए, अपरोक्ष जैसे हम अपना फसल ग्रो करके, आप सभी लोग देखे होंगे कि हम कोई भी लोग सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी उगाने के बाद कोई अपना जो मार्केट में सब्जी बेचते हैं वो आपके यहाँ से सब्जी खरीद के ले जाते हैं, तो आपके यहाँ से जब सब्जी खरीद के ले जाते हैं फिर वो ले जाके आपको पैसा दे, उसके बाद फिर वो ले जाके अपना खुद मार्केट में बेचते हैं, वो तो खेत में उगा के तो ले लेंगे, आपने ग्रो किया आपने उगाया वो आपसे खरीद लिए, उसके बाद आपसे खरीदने के बाद फिर ले जाके दूसरों को बेच रहे, तो वो हमारा हो जाएगा अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष हो जाता, ठीक है। तो शायद हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, चलिए आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारा होता है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जितना अगर हमने बताया है अगर आप सभी लोग लिख दोगे तो शायद आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, सर चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बिल्कुल सर सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए अगला हमारा जाता है अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति। अब कच्चे माल हमारे क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अन्य उद्योग के लिए, जैसे अन्य उद्योग हम कौन कौन से होते हैं या कच्चे माल हमारे क्या क्या होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, कारण सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया।
अब देखिए अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की यानी कच्चे मात्र की पूर्ति। अब देखिए यहाँ कच्चे माल रहेगा, क्या रहेगा, कच्चे माल की। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है, जैसे हमें और कोई उद्योग चलाना है, क्या करना है, और कोई उद्योग चलाना है। अब देश में जैसे चीनी, तेल, कपास, जूट आदि प्रमुख उद्योग का कच्चा माल सस्य उत्पादन से ही प्राप्त होता है। अब आप सबको हम बता देते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे चीनी क्या है, हमारा चीनी है। तो चीनी हमें कैसे प्राप्त होगा, जब किसान लोग खेती करते हैं यानी गन्ने उगाते हैं, क्या उगाया जाता है, जब किसान लोग गन्ना की खेती करते हैं, गन्ना उगाते हैं, तो आप सभी लोग देखे होंगे कि गन्ना, उसके बाद गन्ने को किसान लोग बेचते हैं। तो किसान लोग जब बेचते हैं तो हमारे जो मिल होती है या उद्योग होते हैं, जो उद्योगपति लोग होते हैं, वो उसको खरीदते हैं। तो आप सभी लोग देखे होंगे कि गन्ने को ले जाके किसी जो हमारे गाँव में कांटे होते हैं उस पर ले जाके तौलाया जाता है, या कुछ लोग डायरेक्ट मिल में ले जाते हैं। तो मिल में ले जाते होंगे तो गन्ने की वहां पर पेराई होती है। तो हमने तो कच्चा माल तैयार किया, गन्ना जो हमने कच्चा माल है, मतलब चीनी बनाने से पहले क्या रहेगा, कच्चा माल रहेगा। उसके बाद हम ले जाएंगे मिलों में, तो मिलों में ले जाने पर गन्ने की पेराई होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर चीनी या गुड़ या जो भी उन्हें तैयार करना होता है वो तैयार होगा। तो ये क्या होता है, वो कच्चे माल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तेल, अब तेल क्या है, तेल भी आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने सरसों की खेती किया, सरसों की खेती करने के बाद क्या होता है, उसको ले जाके हम कहीं मशीन पर पेराई करने का कार्य करते हैं, उसके बाद हमारा तेल प्राप्त होता है। कपास, कपास की भी खेती करके ले जाके, उसके बाद जूट हमारा हो जाए। ये सभी क्या होता है, कच्चे माल। हमारे देश में जो उद्योग होते हैं उन सभी के लिए कच्चे माल की मतलब पूर्ति करता है। जैसे हमारे देश में जो उद्योग धंधे चलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, उन सभी को दूर किया जा सकता है। तो क्या होता है, यही हमारे अन्य उद्योग के लिए जो कच्चे माल की पूर्ति होती है, क्या होती है, अन्य उद्योग के लिए जो कच्चे माल की पूर्ति होती है, ठीक है। तो हमारे देश में चीनी, तेल, कपास, जूट आदि प्रमुख जो होता है उद्योग के लिए कच्चे माल की मतलब सस्य उत्पादन में कच्चे माल की पूर्ति की जाती है। अब हम आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगा, फसल के उत्पादन से कृषक की आय में वृद्धि होती है। अगर हम फसल का उत्पादन करते हैं तो हमारे जो नेशनल यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसके भी उत्पादन में मतलब आय मतलब इनकम में वृद्धि होती है। और उच्च स्तर पर क्या होता है, और उच्च स्तर पर यहां पर रहेगा, उच्च स्तर पर वह राष्ट्रीय राष्ट्र की आय में वृद्धि मानी जाती है। अगर हमारे देश में कृषक लोग खेती करते हैं तो हमारे देश के जब कृषक लोग का इनकम बढ़ेगा, क्या होगा, हमारे देश के कृषक लोग का जब इनकम बढ़ता है तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। अगर हमारे देश के किसान लोग या हमारे देश की जनता ही गरीब रहेगी तो हमारा देश भी गरीब माना जाएगा। लेकिन तो लोग खेती करते हैं, धीरे धीरे जब उनकी मतलब स्थिति में धीरे धीरे हालत सुधार होता है तो वैसे हमारे देश की धीरे धीरे आय में भी हमारे देश का स्तर भी धीरे धीरे सुधार होता है। तो राष्ट्र की आय में वृद्धि मानी जाती है। देश की निर्यात सामग्री में 70% निर्यात सस्य पदार्थों का होता है। यानी अगर देखा जाए हमारे देश में जितना भी निर्यात होता है, निर्यात मतलब क्या होता है, जो भी हमारे देश में जितने भी अनाज या कोई भी फसल अगर भेजी जाती है एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे हमारे देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, या हमारे जिला से दूसरे जिला में भेजा जाता है, या हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजा, तो निर्यात होता है। एक आयात होता है, जब हम किसी चीज को दूसरे देश या दूसरे जिला या दूसरे प्रदेश से हम अपने यहां मंगाते हैं तो वो होता आयात, और निर्यात जब हम अपने यहां से किसी चीज को दूसरी जगह भेजते हैं तो वो होता है निर्यात। तो हमारे देश में जो अगर देखा जाता है देश की निर्यात सामग्री, हमारे देश में जितना भी निर्यात किया जाता है उसका 70% निर्यात जो होता है
सस्य पदार्थों का होता है। किसका होता है? सस्य पदार्थों का होता है। तो हमारे देश में जितना भी निर्यात किया जाता है उसका लगभग 70% जो होता है वो सस्य पदार्थ होता है। सस्य पदार्थ मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं। किससे? जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जितनी भी आती है उसका 70% जो होता है हमारे देश का किससे संबंधित है? सस्य विज्ञान या हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। अब जब हम निर्यात करेंगे, जब हम निर्यात करेंगे तो हमारे देश की वृद्धि भी होगी, और जब वृद्धि होगी तो हमारे देश के मतलब जो भी हमारे देश की वृद्धि तो हमारे देश के किसानों की भी धीरे धीरे आय बढ़ेगी, तो हमारे देश का भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश का विकास होगा। तो यही हमारा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मृदा उर्वरता में वृद्धि। अब मृदा उर्वरता क्या होता है? वैज्ञानिक विधि से हम फसलों को भूमि पर उगाकर, यानी वैज्ञानिक विधि से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं वृद्धि भी करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम मृदा उर्वरता में वृद्धि क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि से हम फसलों को भूमि पर उगाकर, अगर देखा जाता आप सभी लोग देखे होंगे कि लोग खेती करते तो वैज्ञानिक विधि से करते, किससे किया जाता है? वैज्ञानिक विधि से खेती करके कि फसलों को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण करते, क्या करते हैं? उर्वरा शक्ति का संरक्षण किया जाता है तथा उसकी वृद्धि करते हैं। तो आप सभी लोग देखे होंगे जब बारिश होता है, अगर आप किसी फसल को उगाए हैं तो बारिश में क्या होता है? मिट्टी का कटाव नहीं होगा, या मृदा में मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो हमारी उर्वरा शक्ति का ह्रास भी नहीं होता। तो हम क्या होता है फसल, अब जैसे हम फसल उगाते हैं तो बार बार फसल को अगर बदल के उगाएंगे तो हमारा क्या होता है? क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र अपनाते रहते हैं। कभी हम इस फसल को उगाएंगे, कभी हम उस फसल को, तो उसमें हम खाद भी डालते हैं, गोबर की खाद सब चीज डालते रहते हैं, तो बना बराबर हम खेती करते रहते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति और संरक्षण उसकी बनी रहती है और उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगी। जैसे फसल चक्र अपनाते, अभी देखिए हमने आप सबको बताया कि फसल चक्र, अब फसल चक्र क्या होता है? जैसे आज हमने कभी गेहूं की बुआई की, उसके बाद धान की, फिर मक्का, फिर गन्ना, ऐसे धीरे धीरे फसल को बुआई करते रहते, क्या करते हैं? फसल को बदल बदल के बुआई करते रहते, क्या करते हैं? फसल को बदल बदल के बुआई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए जो हमारा जमीन रहेगा, लैंड तो स्थिर रहेगा, लेकिन तो फसल को हम सीजन बाय सीजन बदल के बुआई करते रहते हैं, तो उससे बोला जाता है फसल चक्र। जैसे दो दाल वाली फसलें, अगर हम दो बार दाल वाली फसलें उगा रहे हैं, जैसे हो गया चना, हो गया मटर, हो गया दो दाल वाली, जैसे डाई कॉट लैंडर्स फसलों को उगा कर हम बीच बीच में भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करते हैं। अब दाल वाली फसलें क्यों उगाते हैं? दाल वाली फसलें इसलिए उगाई जाता है क्योंकि ये हमारे कुछ इसमें हमारे जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, क्या करता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो बीच बीच में इसलिए हम क्या करते हैं? दो दाल वाली दलहनी फसलों को हम उगाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वैज्ञानिक विधि से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उसके बाद भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उसकी उर्वरा भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण करते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं। जैसे हम फसल चक्र अपनाकर, क्या कहते हैं? फसल चक्र अपनाकर और हम दाल वाली फसलों को ग्रो करके हम बीच बीच में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। इससे हमारे क्या होती है? भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब हम आगे देखते हैं। सस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि सस्य उत्पादन से, अब सस्य उत्पादन से हमारा क्या होगा? जैसे हम किसी भी फसल को ग्रो कर रहे हैं उसके उत्पादन से हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं होती है उसकी हम भी पूर्ति करते हैं। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे कि अगर आप धान उगा, धान की खेती करो, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी अगर आप सब्जी की भी खेती करो, तो ये सभी को उगा कर अगर मान लेते हैं हमारी कुछ जरूरतें हैं, अगर हमारे पास
बैलेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में सेल करके हमें जो भी चीजें हमारे घरेलू आवश्यकताएं होती है उसको भी हम पूर्ति करते हैं। तो देखिए वही सस्य उत्पादन, मतलब हम एग्रीकल्चर या खेती करके उसके क्या होती है हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं होती है ये सभी को हम पूरा कर सकते हैं। देखिए जैसे खाद्य वस्त्र की पूर्ति के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं जैसे ईंधन खाद्य तेल आदि की पूर्ति भी सस्य उत्पादन से होती है। तो शायद सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग घर ही पे रहते हैं, सब लोग को पता है कि कभी कभी अगर आपके पास दिक्कत है बैलेंस की तो आप सभी लोग गेहूं धान को या किसी भी चीज को मार्केट में सेल करके हमारी जो घरेलू दाल चावल आटा जो भी कभी जरूरत होती है वस्त्र या कोई भी चीज जरूरत होती है तो इन सभी को मार्केट में सेल करके अपनी जो घरेलू आवश्यकताएं होती है उन सभी को पूर्ति कर सकते हैं। क्या होते हैं इन सभी की पूर्ति कर सकते हैं। तो सस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करती है, खाद्य वस्त्रों की पूर्ति के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं जैसे ईंधन खाद्य तेल आदि की पूर्ति भी सस्य उत्पादन के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सस्य उत्पादन से घरेलू आवश्यकताओं की। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय ख्यात। अंतरराष्ट्रीय ख्यात क्या होती है, कुछ विशेष फसलों के उत्पादन में अपने देश को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध प्राप्त है। मतलब देखिए कुछ हमारे देश में ऐसी फसलें हैं जिसको हम उगाकर देश में हम प्रथम स्थान रखते हैं। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे गन्ना की खेती हमारे यहाँ सबसे अधिक की जाती है और ब्राजील में भी की जाती है, और जैसे हमारा गेहूं धान इन सभी की खेती हमारे देश में अच्छी मात्रा में की जाती है। सब्जियों में आप सभी लोग देखे होंगे कि भारत का दूसरा स्थान। तो इन सभी की हम उत्पादन करके अच्छे मतलब हम देश में अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचकर जो दूसरे देश की आवश्यकताएं होती है उसकी भी हम अपने देश से पूर्ति करते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय ख्यात मतलब ख्यात क्या होती है, अपना इमेज भी बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय ख्यात। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है जो भी हम कल्चर का जो प्रयोग किया जाता है वैसे ये बायो फर्टिलाइजर है। वैसे सभी फसलों में अधिकतर केस जिसमें जरूरत होती है तो बायो फर्टिलाइजर हमारा देखा जाता है, जैसे हो गया धान हो गया गेहूं हो गया इन सभी में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा राइजोबियम कल्चर क्या है। अब जैसे आप सभी लोग देखो कुछ दलहनी फसलें होती है जिनमें भी हमारा बरसीम में भी प्रयोग किया जाता है, चना मटर इन सभी में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रहन सहन के स्तर पर स्तर में वृद्धि, रहन सहन के स्तर में वृद्धि कब होगी, जब हम अच्छा खासा खेती करेंगे सस्य माध्यम के द्वारा तो हमारा जब इनकम प्राप्त होगा तो अपने रहन सहन में वृद्धि अपना रहन सहन भी हम अच्छा करते हैं। देखिए सस्य उत्पादन में मनुष्यों की आय बढ़ती है। अब सस्य उत्पादन मतलब हम खेती करेंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है कि रहन सहन का जो हमारा स्तर होता उसको भी ऊंचा करता है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश जनता का रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। अब आप सबको समझ में आ गया होगा, हमने पहले बता दिया था कि सस्य उत्पादन से मनुष्यों की आय बढ़ती है, अगर हम खेती करेंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। अगर हमारी आय बढ़ेगी हमारे पास इनकम आएगा तो अपना रहन सहन भी हम अच्छा करेंगे। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश की जनता का रहन सहन का स्तर ऊपर उठता। अगर हम अच्छा पहनेंगे अच्छा खाएंगे अच्छा हमारा स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो हमारे देश में जितनी जनसंख्या लोग ऐसे करेंगे तो हमारे देश के जो रहन सहन का स्तर वो भी ऊंचा बढ़ता तो ये रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो जाए। ठीक है, आप कहने का मतलब यही है कि सस्य उत्पादन से हम मनुष्यों की आय बढ़ती है उसके बाद इसके हम सस्य उत्पाद उसके बाद जो उनके रहन सहन के स्तर को धीरे धीरे अपना वो स्तर ऊंचा बढ़ाते हैं। जब मनुष्यों का स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो हमारे देश के रहन सहन का भी स्तर धीरे धीरे ऊंचा बढ़ता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कोई कह रहा सर 10 मिनट बाकी है, भैया कहाँ जाना आपको, बिल्कुल ना परेशान होइए यार, बिल्कुल हम ना परेशान है आपको, हम बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, 10 मिनट बाकी हो 2-4 मिनट हमारे पास भी मतलब एक लिमिटेड समय रहता है, लिमिट रहता है इतने तक आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे
इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोगों की एग्रीकल्चर बॉटनी की क्लास है, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसके जस्ट बाद आप सभी लोगों के एग्रीकल्चर बॉटनी की क्लास है, जो शायद हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट डर उन्हें डर लगता है कि एग्रीकल्चर बॉटनी। और ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो फर्स्ट ईयर में फेल होते हैं, या तो आप फिजिक्स में निपट जाते हो, या मैथ में निपट जाओगे, या हो सकता है बॉटनी में। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आप सभी लोगों के लिए दिक्कत। इसलिए अगर आप इस संस्थान से पढ़ाई कर रहे हो तो आप सभी लोग किसी में नहीं निपटोगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा, अगर बाकायदा प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो शायद आपको कोई फेल नहीं। फेल क्या, आपके 80% तक अच्छे से आ जाएंगे। तो बाकायदा आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, विभिन्न पर्यावरण कारक। अब हमारे पर्यावरण कारक क्या होते हैं, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं या इन्वायरमेंट, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर, कौन कौन से होते हैं। जैसे जलवायु हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, खेत की तैयारी हो जाएगी, उन्नतशील प्रजातियां हो जाएंगी, बुआई का तरीका हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, तकनीक हो जाएगा आदि का फसल की उपज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये हमारे जो विभिन्न पर्यावरण कारक होते यानी इन्वायरमेंट फैक्टर जो होते हैं, ये सब हमारी फसलों के उपज पर मतलब सीधा प्रभाव डालते हैं। क्या होते हैं, फसलों के उपज पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अब फसलों के उपज पर सीधा प्रभाव कैसे डालते हैं, अब देखिए आप सभी लोग, जैसे कि अगर जलवायु हमारी कैसी है, कि अगर हम फसल की ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए अनुकूल जलवायु मिलना चाहिए, और मृदा भी हमें, ऐसा तो नहीं हम किस मृदा में बुआई करते जहां पर उसकी खेती ही ना हो, तो हमें मृदा का भी चयन करना है। ये सभी लोग फसलों को प्रत्यक्ष मतलब सीधा प्रभाव डालते हैं। और खेत की तैयारी, अगर आप सभी लोग अच्छे से खेत की तैयारी नहीं करोगे तो इससे भी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्नतशील प्रजातियां, अगर आप सही प्रजाति नहीं बुआओगे, बुआई करोगे, अगर खराब क्वालिटी के अगर आप बीज ले आए और बुआई कर दोगे, तो शायद आपकी खेती अच्छा फसल नहीं होगा, तो यह भी सीधा प्रभाव डालेगा। बुआई का तरीका, आपको सही बुआई करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ऐसा तो है ना कि आप सभी बुआई करना खुरपी से चला रहे फावड़ा, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। एक तरीका कैसे में बुआई करना, किस बुआई करना, 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर, आप पूरा फावड़ा चला के 15 सेंटीमीटर पर बुआई करोगे तो बीज के जर्मिनेशन, तो ये हमें तरीका। और कृषि तकनीक हमें पता होना चाहिए, किस तकनीक से हमें आदि फसलों की उपज पर सीधा प्रभाव डालते हैं, प्रत्यक्ष मतलब सीधा। क्यों, क्योंकि अगर आपका इन सभी में अगर कोई दिक्कत होगा तो समझ लीजिए आपके लिए फसलों की खेती के लिए दिक्कत, मतलब जो हमारा उपज होगा वो सभी का दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर या सेशन आज यहीं पर समाप्त हो रहे कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सर का मतलब बाटरी, उसके बाद सर पढ़ाने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के साथ काफी स्टूडेंट आप सभी लोगों का दायित्व बनता, आप सभी लोग वीडियो के एक बार जरूर शेयर करिएगा। फिजिक्स और मैथ में बच्चे फेल होते हैं, बिल्कुल भैया फेल होते हैं, तो देखो अगर फिजिक्स और मैथ से अगर भागोगे तो निपट जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए अच्छे से लगे रहो, एक एक चीज देख लो। तिवारी सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पांडे सर पढ़ा रहे हैं, और बायो भी सर आ गए, बाटनी की आज क्लास है, और साइंस केमिस्ट्री की भी क्लास हो चुकी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बैच का बाकायदा पूरा सिलेबस के कारण अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए एक बार सभी लोग बताइए, आप सबको जितना पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं आया। शायद हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हमने पूरी कोशिश की आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा टॉपिक था इससे बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन तो कहीं अगर पूछ लिया स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो कम से कम ये आएगा 5 नंबर के आते हैं, 5 से 6 नंबर, और 5 से 6 नंबर अगर आपके छूट गए तो समझ लीजिए फिर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। बिल्कुल जितने भी कमेंट आ रहे हैं आप सबको नेक्स्ट क्लास में जरूर हम बता देंगे। मैथ की क्लास ऑनलाइन नहीं हो रही भैया, आप जाके देखिए तो मैथ की क्लास ऑनलाइन हो रही है, अगर आज नहीं होगी तो कल जरूर होगी। अर्चित सिंह कह रहे सर आप पढ़ाए हमारे समझ में ना, ये हो नहीं सकता। चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्री ज्ञान कोई बता रहा कि राजेश भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। चलिए चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।